पता है, मैंने रात को अफान को ख्वाब में देखा था, वो मेरे पास था, मैंने उसे बहुत प्यार किया। और आज तो वकील साहब से बात करके मुझे बहुत इत्मीनान हो गया। मुझे लगता है अफान जल्द ही मेरे पास होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या है तुम्हारे लिए? हमजा, आप इसका मतलब समझते हैं? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो उजाला। मैं वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हारे हर दुख सुख का साथी बनकर रहूं। पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें एक खूबसूरत, एक हसीन जिंदगी दे सकूं। आई प्रॉमिस। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। क्यों? अभी भी मुझ पर एतबार नहीं? अभी भी मुझसे नफरत करती? मैं आपसे नफरत नहीं करती। जो भी कर गया नहीं आएगा, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत भी नहीं कर सकती। मेरे दिल से तू जो उतर गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज आप असेंबली के सेशन में नहीं? कैसे जाऊं? क्यों? लोगों के सवालों से मैं तंग आ चुकी हूं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उजाला को धमकियां देते, ना मुझे इस तरह घर में छुप के बैठना पड़ता। आंटी, आपने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया हुआ है? मिसेस अली कब से आपको फोन कर रही है? ऑफ नहीं होगा तो और क्या होगा? तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। लगता है सारी की सारी दुनिया जो है ना, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे पड़ गई है। और तुम लोग भी कहीं नहीं जाना, बाहर पूरा मीडिया सर्कस लगा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे उनके पास और कोई खबर ही नहीं है छापने के लिए। तुमसे कुछ भी कोई पूछे, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना तुमने, समझ गए हो? बेगम साहबा, अम्मा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, भेजती हूँ। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, फ़ोन नहीं करना। लेकिन क्यों अम्मा? दादी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो गया तो? अगर अम्मा जी को इस वक्त कुछ हो गया तो इसमें हमारा बहुत फायदा है। लोग
लोगों की हमदर्दियाँ हमें मिलेंगी और इस वक्त हमें इसकी सख्त जरूरत है। अम्मा जी बताए ना क्या हो रहा है। अम्मा जी सभी तबीयत खराब हो रही। अम्मा जी मैंने मैडम से कहा था मगर अम्मा जी उठे सभिया अम्मा जी पानी पिए। अपनी बेटी को रोक लो। एक बेटा और शौहर तो तुम खो चुकी हो, अब क्या चाहती हो? अपनी बेटी से भी हाथ धो बैठो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरी बहन बुजदिल नहीं है, वो आपकी धमकियों से नहीं डरेगी, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने इन बंदों को लेके यहाँ से चली जाएं। ये तो बच्ची की बातों का मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप अपनी बेटी को समझा सकती हैं। अफान मेरा इकलौता पोता है, मैं उसे किसी हाल में भी उजाला के हवाले नहीं करूंगी। उजाला की भी एक ही औलाद है और वो है अफान। आप भी ये बात अच्छी तरह से समझ लें तो उजाला की दूसरी शादी करवा दे और बच्चे हो जाएंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है अरमान को भी आपने कहीं से गोद लिया होगा, शायद आप उसकी सगी मां नहीं है। क्या बकवास कर रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। अगर आप मां होती तो आपको पता होता एक मां की अगर एक औलाद हो या 10 औलाद, उसको हर औलाद अपनी जान से अपने वजूद से ज्यादा अजीज होती है। बेहतर होगा आप इसी वक्त यहां से चली जाएं। आपने अभी तक मेरी ताकत नहीं देखी। मैं आपकी ताकत अच्छी तरह समझती हूं। मुझे पता है आप जब चाहें जिसको चाहें उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अकलमंद औरत, बेहतर यह होगा कि तुम अपनी बेटी को समझा लो। हाँ, मैं समझाऊंगी अपनी बेटी को, मैं समझाऊंगी उसे
कि वो अफान को हासिल करने के लिए ज्यादा कोशिश करे। मैं समझाऊंगी उसे कि वो अपनी इकलौती औलाद को आप जैसे बेहिस लोगों के सुपुर्द हरगिज हरगिज ना करे। चली जाए यहां से। ये अल्फाज आपको बहुत महंगे पड़ेंगे।